अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों दोस्तों आप सभी के लिए एक लड़की के हवाले से एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक्य लेकर आई हूँ। एक मुसलमान लड़की तालाब में नहा रही थी और ऐसे वक्त में एक डाकू की नज़र उस मुसलमान लड़की के ऊपर पड़ी, तो ऐसे वक्त में कौन सा अजीबोगरीब वाक्य देखने को मिला जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। दोस्तों इस वाक्य को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर किसी से गुनाह हो जाए या अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो जाए तो उसे चाहिए कि वो तौबा करे, क्योंकि अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। लेकिन गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद भी कोई अकड़े और शर्मिंदा ना हो तो उसके लिए बड़ा अजाब है। कुरान हदीस की रोशनी में बताया है कि किस तरह अल्लाह गुनाहों के लिए तौबा करने वालों की तौबा कबूल करते हैं और किस तरह नाफरमानी करने वालों को आजाब देते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि बताया जाता है किसी गांव के अंदर एक लड़की तालाब में नहा रही थी जो कि मुसलमान थी। वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसी गाँव के करीब एक डाकू रहा करता था और जो गरीब लोगों का माल लूटा करता था, और अगर गांव के अंदर कोई खूबसूरत लड़की उसको नजर आती तो उस लड़की को उठा लिया करता। अक्सर गांव के जो लोग होते थे वो अपनी बेटियों को घर के अंदर छुपा कर रखते थे, लेकिन ये जो लड़की थी ये किसी से डरा नहीं करती थी, यानी अल्लाह तबारक व ताला की जात के ऊपर मुकम्मल यकीन था इसे। और ये लड़की ये बात कहती थी कि मेरी हिफाजत करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, मुझे घर के अंदर बैठने की जरूरत नहीं है, अल्लाह बड़ी ही शान वाला है और सबसे बड़ा अल्लाह ही है, वो मेरी मदद जरूर फरमाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि वो लड़की थी तालाब में नहा रही थी और ऐसे वक्त में जब डाकू का गुजर हुआ तो उसी तालाब से हुआ और उस वक्त में इस डाकू की नज़र उस लड़की पर पड़ गई तो वो उस लड़की का तो दीवाना हो गया। उस जैसी लड़की को आज तक डाकू ने पहले कभी नहीं देखा था और लड़की इतनी खूबसूरत थी कि डाकू के दिल के अंदर मोहब्बत जाग उठी और अब डाकू किसी भी हालत में लड़की को पाना चाहता था। दोस्तों आपको बता दूं कि डाकू ने अपने साथियों से ये बात कही कि फौरन ही एक खत लिखो। खत लिखने के बाद उस लड़की के बाप के पास उसे भेज दिया गया और दोस्तों वो खत लेकर डाकू के जो साथी थे वो फौरन उस लड़की के घर पहुंचे और वहां जाकर लड़की के बाप को वो खत दे दिया। दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे ही लड़की के बाप ने उस खत को पढ़ा तो उसी वक्त उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, यानी खत के अंदर यही बात लिखी हुई थी कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, मैं तुम्हारी बेटी का दीवाना हो चुका हूँ, इसलिए तुम आज रात अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ, मैं आज रात तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारी बेटी के साथ ही रात गुजारूँगा, यानी तुम्हारी बेटी के साथ गुनाह करूँगा। साथ में ये भी लिखा हुआ था कि अगर तुम छोड़कर नहीं गए तो ऐसे वक्त में मैं तुम्हारे खानदान वालों का कत्ल कर दूंगा। प्यारे दोस्तों बाप ने जब ऐसी बात सुनी तो उसकी तो आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। प्यारे दोस्तों अब मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे वक्त में उसके दिल में ये बात आई कि हमारे गाँव में एक सरदार है, वो हमेशा से हम लोगों की मदद करता आ रहा है, क्यों ना इस बार जाकर उससे मदद मांगी जाए। तो आप सभी को बता दूं कि वो फौरन यानी कि उस लड़की का जो बाप था वो गांव के सरदार के पास जाकर उसने अपनी बात रखी। ऐसे वक्त में जो गांव का सरदार था वो ये बात कहने लगा कि मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो डाकू है और बड़ा ही खतरनाक है, और अगर मैं तुम्हारी ऐसे वक्त में मदद करूँगा तो वो मेरे खानदान को कत्ल कर देगा और मेरी भी एक नौजवान बेटी है, अगर उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ गई तो यकीनन वो उसको भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मैं हरगिज तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। तो दोस्तों ऐसे वक्त में जब वो लड़की घर पहुंची तो बाप ने सारा वाक्य उसे बताया कि आज तुम्हें दरिया में नहाते हुए उस डाकू ने देख लिया और वो तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता है, उसने बात कही है कि अगर मैं यहाँ से घर छोड़कर नहीं गया तो ऐसे वक्त में वो हमारे तमाम खानदान वालों का कत्ल कर देगा। दोस्तों बात सुनने के बाद वो जो लड़की थी वो ये बात कहने लगी कि अब्बा जान, क्या आप जानते हैं कि मैंने हमेशा ये बात कही है कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है, अब तक उसने ही मुझे बचाकर भी रखा है तो आगे भी वो ऐसे ही बचाकर रखेगा, आप बेफिक्र होकर घर छोड़कर आज के लिए चले जाइए, यकीनन जो होगा वो बेहतर ही होगा और अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों बाप ने जब अपनी बेटी की बातें सुनी तो ऐसे वक्त में वो अपनी बेटी को अल्लाह के भरोसे छोड़कर चला गया और घर से बाहर निकल गया।
आपको बता दूं कि जब रात का वक्त आया तो ऐसे वक्त में वो डाकू लड़की के घर पहुंचा और पहुंचने के बाद जब वो लड़की के करीब पहुंचने ही लगा तो ऐसे वक्त में बराबर वाले घर में एक लड़की कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी और उसकी आवाज आने लगी, जिसका तजुर्मा ये था कि अगर कोई मुझसे माफी मांगने वाला है तो मैं बड़ा ही करीम हूँ, मैं बड़ा ही रहीम हूँ, मैं बड़ा ही माफ करने वाला हूँ। दोस्तों, कुरान की आयतों को सुनने के बाद वो जो डाकू था वो कांपने लगा और बहुत ही ज्यादा परेशानी के आलम में आ गया और उस वक्त लड़की से बात कही कि हरगिज मैं तुम्हारे साथ गुनाह नहीं कर सकता। लड़की कहने लगी, ऐसी क्या बात हो गई कि जो तुम काम करने आए थे वही नहीं करोगे? तो दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो डाकू ये बात कहने लगा, मुझे अल्लाह का खौफ सता रहा है, यानी मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ कि आखिर रात में मेरा क्या होगा? अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, मैंने अब तक जितने भी गुनाह किए हैं मैं सबसे तौबा करता हूँ और आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूँगा, किसी का हक नहीं मारूँगा, किसी लड़की के ऊपर गंदी नज़र नहीं डालूँगा। दोस्तों, ये बात कहता हुआ वो फौरन ही घर से बाहर आ गया। डाकू के साथियों ने जब उसे ऐसी हालत में देखा तो वो हैरान हुए और ये बात कहने लगे कि आपको किस चीज़ का खौफ सता रहा है, आपसे तो दुनिया डरती है और आप किस तरह डर रहे हैं? तो दोस्तों, उस वक्त वो डाकू कहने लगा, मुझे किसी का खौफ नहीं है सिवाय अल्लाह तबारक व ताला के, जो बादशाहों का बादशाह है। मैंने आज सच्चे दिल से तौबा कर ली है क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देता है, इसीलिए मैंने सच्ची तौबा कर ली है और आज के बाद मैं कभी भी किसी भी लड़की की तरफ गंदी नजर नहीं डालूंगा और आज के बाद कभी किसी गरीब का हक नहीं मारूंगा। दोस्तों, इतना सोचने के बाद उसके दिल में ख्याल आने लगा कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे क्यों माफ करेगा, मैंने तो गरीबों का हक लूटा है, तमाम जितने लोगों का मैंने हक लूटा है उन सबका सामान वापस कर देना चाहिए। और ये बात सोचते ही सबसे पहले उसके दिल में एक यहूदी तिजारती का ख्याल आया। यहूदी तिजारती ने डाकू को देखा तो वो ये बात कहने लगा, अब क्यों आए हो, सब कुछ तो तुम लूट कर ले जा चुके हो, अब क्या मुझे लूटने आए हो? तो उस वक्त डाकू कहने लगा, हरगिज नहीं, अब मैं तुम्हें लूटने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं जो तुम्हारा सामान लूट कर लेकर गया था वो तमाम सामान तुम्हें लौटाने के लिए आया हूँ। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, वही सबको माफ करने वाला है। मैंने जो गुनाह किए हैं मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, इसीलिए तमाम सामान लौटाने के लिए आया हूँ। दोस्तों, जो ये यहूदी था वो फौरन ही ये बात कहने लगा, मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जिस वक्त तुम मेरा सामान लूट कर ले जा रहे थे। तो दोस्तों, डाकू आगे कहने लगा, हाँ हाँ, मुझे बताओ कि वो कौन सी बात है जिससे तुम मुझे माफ कर सकते हो। दोस्तों, उसके बाद उस यहूदी ने ये बात कही कि सामने जो टोकरी रखी हुई है उसके अंदर जो सोने की अशर्फियां रखी हैं वो अशर्फियां लेकर आ जाओ। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि वो जो डाकू था वो फौरन ही उस टोकरी के पास गया और उस टोकरी के पास जाकर वो सोने की जो अशर्फियां थी उसको लेकर के आ गया। और दोस्तों, जैसे ही उस यहूदी ने सोने की अशर्फियों को देखा तो ये बात कहने लगा कि मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद डाकू जो था वो बड़ा ही हैरान हुआ कि भला ऐसी क्या बात हो गई, तुम तो यहूदी हो, तुम क्यों मुसलमान होना चाहते हो, ऐसी क्या बात हो गई, मुझे बताओ। दोस्तों, ऐसे वक्त में यहूदी कहने लगा कि दरअसल आखिरी नबी यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर किसी शख्स पे अल्लाह तबारक व ताला राजी हो जाए और उस वक्त अगर वो सभी गुनाहों से तौबा कर लेता है तो अगर वो शख्स मिट्टी को भी छू ले तो वो भी सोने की बन जाती है। दरअसल जिस टोकरी के अंदर तुम्हें सोने की अशर्फियां लाने को मैंने कहा था उस टोकरी के अंदर एक भी अशर्फी नहीं थी, दरअसल उसके अंदर तो सांप रखा हुआ था। और मैं तो ये जानना चाहता था कि अगर तुम्हारी तौबा कबूल हो चुकी है तो वो जो सांप है वो सोने की अशर्फियों में तब्दील हो जाएगा, और अगर तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हुई है तो ऐसे वक्त में वो सांप तुम्हें डस लेगा और तुम्हें ख़त्म कर देगा। लेकिन प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल सही साबित हुई, यानी कि तुम यकीन के साथ उस टोकरी को उठाने के लिए गए थे, अब उसके अंदर अशर्फी है और अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है और अल्लाह नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से तुम्हें वो सांप नुकसान पहुंचा सके। अब इस चीज से अंदाजा हो चुका है कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, तुम्हारी तौबा कबूल हो चुकी है, इसीलिए मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ।
इसीलिए दोस्तों हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, चाहे हमारा गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों हमें तौबा करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम हमारे गुनाहों की तौबा नहीं करेंगे, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे और उसकी बातों को कभी नहीं मानेंगे, तो दोस्तों आखिर रात में हमारे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाएगा। अगर हम गुनाह करते हैं तो हमें जहन्नुम की आग में उसकी तपिश को झेलना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों हर एक मुसलमान को अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और हमेशा कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती रहें। तो दोस्तों जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तौबा को जरूर कबूल कर लेता है, इसी तरीके से उसे माफ़ भी कर देता है। तो दोस्तों आज के वाक्य में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को दोस्तों जल्दी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को खुदा हाफिज़।